जॉइन है ना, ये आप लोग का मेरे से फर्स्ट है क्लास है फिजिक्स का, आप लोगों के फर्स्ट है मेरे फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। उसके पहले आपको एक इक्वेशन ये मोशन से ये सब सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में आपका टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रेंथ। ट्रांसवर्स वेव यानी कि अगर वेव किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कोई फोर्स एफर्ट लगा देते हैं ताकि हमें ट्रांसवर्स वेव स्ट्रेन के अंदर लगे। ऐसे में ये मानते हैं कि एक एक्सिस एक वायर ले रहा है स्ट्रिंग जिसको कि हम खींच सकते हैं, जिसको ए से बी एक्स एक्सिस के ऊपर फिक्स कर दिया गया है। जब वो स्टेबल स्टेट में है वायर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब उस वायर को ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो यानी कि ए बी पॉइंट पर एक वायर को फिक्स कर दिया उस वायर को जब हम ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये एक आर्क बना लेगा। इस आर्क पर पूरे आर्क को समझ लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर कर दिया दैट इज पॉइंट बी पॉइंट की इसकी डिस्टेंस लगभग रखी है डेल्टा एक्स। इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन्स को ड्रॉ करती है दैट इज डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स में चूंकि जब मैं इसको खींच रही हूँ ऊपर की तरफ जब इसको खींचूंगी तो इसके ऊपर बी पॉइंट के ऊपर भी एक खिंचाव होगा और क्यू पॉइंट के ऊपर भी एक खिंचाव होगा, यानी कि दोनों पॉइंट के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होगा। जिसको यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जो बेसिक था उसमें टेंशन के कारण इसमें फाई एंगल क्रिएट होता है। सिमिलरली फॉर पी क्यू पॉइंट में चूंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स एलिमेंट है दोनों के बीच का तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो फाई तो बनेगा फाई के एस्पेक्ट में बनेगा प्लस इसमें डेल्टा फाई का चीज आगे यानी कि एक्जैक्टली दोनों के ऊपर सेम भी बनेंगे एलिमेंट के डिफरेंस के कारण इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा और उस चेंज को कहेंगे यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज फाइव प्लस डेल्टा फाइव। इस स्मॉल एलिमेंट में पी से क्यू की जो डिस्टेंस देता है इसे एक्स पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के ऊपर एक टेंशन पी क्रिएट होता है। अगर इस टेंशन पी में इस पूरी इक्वेशन को मैं रिसॉल्व करते तो पी के ऊपर टेंशन कितना क्रिएट हुआ है पी क्यू के कारण एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना टेंशन क्रिएट हुआ उसको मैं कैलकुलेट करूँ। तो जब एक्स एक्सिस में कैलकुलेट करूँगी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चूंकि कंपोनेंट अलग अलग रहते हैं, एक्स एक्सिस में कॉस कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है वाई एक्सिस में साइन कंपोनेंट से। जब एक्स एक्स एक्सिस का टी एक्स का मतलब होता है कि एक्सिस एक्स के ऊपर लगने वाला टेंशन को कैलकुलेट करें। तो इस पॉइंट पी के ऊपर जितना भी टेंशन क्रिएट हुआ है उसमें से मैं क्यू वाले के टेंशन को माइनस कर तो इन दोनों के बीच में बैठक दूर वाला टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते दैट इज पी के ऊपर जितना लग रहा है उसमें से क्यू को अगर माइनस करो तो दोनों के बीच में डेल्टा एक्स से लगने वाला वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से जब मैं लाइन को रखूँ पी और क्यू के लिए आता है तो ये जो डिफरेंसेस है इस डिफरेंसेस जो है फॉर द टेंशन फॉर के ये साइन कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जितना पी वाले में से पी वाले को मैं माइनस कर दूँ तो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड रिप्रेजेंट करती है यानी कि फर्स्ट है दिस रिप्रेजेंट फॉर पी पॉइंट दिस रिप्रेजेंट फॉर क्यू पॉइंट। पी में से क्यू को माइनस कर दूँगी तो दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं दैट मीन्स डेल्टा फाइव की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद पी और क्यू चूँकि एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं डेल्टा जो टेंशन क्रिएट होगा उसका जो एंगल है वह वेरी स्मॉल अगर उनको बहुत ज़्यादा छोटा होता है वी नो दैट साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइन। इसीलिए अगर साइन फाइव प्लस डेल्टा फाइव और छोटा एलिमेंट है तो ऑलमोस्ट एंगल की वैल्यू के बराबर है दोनों की वैल्यू को मैंने यहाँ कैलकुलेट और यहाँ पर जब कॉस थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जब बहुत छोटी होती है फाइव के बराबर होती है तो डेल्टा फाइव को कॉस के फॉर्म में डिफरेंशिएबल हो जाता है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। मान लीजिए सारा बेसिक आप लोग ट्वेल्थ के अंदर पढ़ गया है इन दोनों वैल्यूज को जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे देन समेशन डेल्टा एक्स से क्योंकि कॉस फाइव इसके बराबर है यहाँ कॉस फाइव की वैल्यू तो कॉस फाइव माइनस कर यानी एक्स के अंदर कोई टेंशन का डिफरेंस नहीं डेवलप होगा और चूंकि वाई एक्सिस में डेवलप होगा और वाई एक्सिस में डेवलप होगा टी साइन थीटा के वैल्यू के मान के बराबर क्यों क्योंकि
यहाँ पर टी साइन फाइव ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जस्ट फाइव प्लस डेल्टा फाइव, टी साइन फाइव की वैल्यू टी फाइव के बराबर, देन टी फाइव टर्म टी फाइव टर्म विल बी कैंसिल।